Hello everyone, my dear students, a very good morning. All I can say that a very good morning to all my teenagers. I hope you all are happy at your homes. In our last class, I have read that chapter 3rd Growing Up Pains from book Resolution, class 10 English, written by R.K. Murthy and today we will continue the second part of this chapter but at first i would like to recall the last part one of this chapter growing up pains it's all about the teenager group and also the consequences of a teenage i hope you all understand that what is teenage yes the age between 13 to

लास्ट टाइम हमने रीड किया था कि समीर है उसको पार्टी में जाना होता है लेकिन उसकी अम्मा इट मीनस हिज मदर रिफ्यूज हिम उसको मना कर देती है जाने के लिए दैट समीर गॉट एंडी वो बहुत गुस्सा होता है उसे समझ नहीं आता दैट वॉट शुड ही डू सो नेक्स्ट फ्रॉम द पेज सिक्सटीन वी हैव रेड टिल द पेज नंबर सिक्सटीन टूडे वी शैल कंटिन्यू पेज नंबर सेवनटीन She has her way. I missed the party. कि यहाँ पे उसकी अम्मा को पता था कि उसे किस तरह से समीर को मनाना है लेकिन फिर भी समीर ने अपनी पार्टी को मिस कर दिया बट इट डज़ नॉट इंडियर हर लेकिन यहाँ पे फिर भी मेरा पार्टी में ना जाना उसे किसी तरह से बुरा नहीं लगा बिकॉज यहाँ पे उसकी मदर को पता था कि समीर है वो किसी किसी तरह से मान जाएगा। miss, प्रिय बनाना किसी को समझा देना। होता है normally कि मैंने मनी मन में कर ये निश्चय कर लिया था कि मैं पूरे दिन अपनी अम्मा से बात नहीं करूंगा शी कॉक्स मी लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे मना लिया कॉक्स मींस होता है राजी करना मना लेना प्लेक्ट मी टिल आई कम टू हर कॉडलिंग प्लेकेट्स मींस होता है दिलासा देना कि किसी को समझाते हैं बुझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं इस बार नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम चले जाना और फिर मैं अपनी माँ की इस राजी करने की स्टाइल के आगे झुक जाता हूँ और उनकी मौलिक ऑर्डलिंग में बहुत ज़्यादा लाड प्यार करना कि मुझे इतने प्यार से हैंडल करती हैं कि मैं मान जाता हूँ कि चलो कोई बात नहीं इस बार नहीं गया तो अगली बार जाने देना ये जो आपने कहा वो सही था देन आई हग हर एंड क्राई उसके बाद मैं उन्हें हक करता हूँ और रोने लग जाता हूँ हक मीन्स गले लगाना टू एम्बर सम वन पेट पैट कर्म्स हर रिमार्क और धीरे धीरे उनकी बातें फिर सामने आती है एट फोर्टीन अ बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस और फिर वो मुझे बोलती हैं कि फोर्टीन एज के ग्रुप में आते ही किसी भी बच्चे को यह पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल यूर इमोशंस टू कंट्रोल योर फीलिंग्स बट यू हैव टू नो दिस दिस इज द ट्रबल एम आई ए चाइल्ड यहां पे ट्रबल होती है नॉर्मली यू ऑल्सो फील द सेम ट्रबल दट यू आर अ चाइल्ड और अ यंग तो यहां पे सेम प्रॉब्लम समीर फेस करता है ही डजेंट नो दैट वॉट इज ही वो है क्या और हैव आई ग्रोन अप कि मैं बच्चा हूँ या ग्रोन अप हो चुका हूँ बड़ा हो चुका हूँ वैन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम कि मेरे पेरेंट्स कब देखेंगे सही तरीके से मैं हूँ क्या फर्स्ट आई हैव टू नो देन माई पेरेंट्स हैव टू नो कि पहले मुझे तो पता चले कि मैं किस एज ग्रुप में हूँ इधर आई एम अ चाइल्ड और आई एम अ ग्रोन अप कि या तो मैं बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हो चुका हूँ आई कैन नॉट बी बोथ एट द सेम टाइम मैं दोनों तो एक टाइम नहीं हो सकता मे बी आई एम अ मिक्स ऑफ बोथ आई डो नॉट नो मैं नहीं जानता या तो मैं दोनों का मिक्स हूँ या मैं चाइल्ड हूँ या मैं ग्रोन अप पर्सन हूँ दैट इज वॉट मेक्स मी फीयर सो इसकेरी और यही रीजन है कि ये मेरे डर को और ज्यादा भयानक बनाते हैं या मुझे और ज्यादा डराते हैं कि फर्स्ट मुझे नहीं पता एंड आई एम वेरी कन्फ्यूज दैट एम आई अ चाइल्ड और एम आई अ ग्रो न बॉय आई नो माई फीयर विल डाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड वो कहते हैं मुझे पता है अगर मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करें तो मेरा सारा डर खत्म हो जाएगा बट नो no, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे दे विल नॉट ड डू देट वो ऐसा करेंगे ही नहीं देव देयर फियर्स दैट इज़ वाई अम्मा सेज एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ और यही है कि उन्हें एक डर है मनी मन में और इसीलिए मेरी अम्मा हर वक्त मुझसे कहती है असर्ट मीन्स बहुत ज़्यादा हक़ जमाते हुए या दृढ़ द्रड़, दृढ़ता से बोलना वो कहती हैं कि एट योर एज यू नीड टू बी कैप्ट ऑन द लीज कि तुम्हारी एज में

शक यो हैंड दिस इज़ कॉल्ड नोट तो हम वो कहता है कि मैं वो अपनी जो उसकी अम्मा होती है वो उसकी सहमति के लिए सिर हिलाती है एंड बोलती है समीर एवरी थिंग टेक्स टाइम कि समीर हर चीज़ के लिए टाइम लगता है अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इनटू अ फ्रूट कि एक फ्लावर को भी फ्रूट बनने में टाइम लगता है इो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट और साथ ही साथ वो बोलती है अगर तुम्हें एक क्लास से दूसरी क्लास में एंटर करना होता है तो भी तुम्हें पूरा एक साल लगता है इट मीनस यू हैव टेकन अल इ टू पास आउट अ वन क्लास टू अनादर क्लास अपा कैरसेज माई आर्म एंड से कैरेसिन होता है जब प्यार से कोई चीज़ सहलाते हैं जब बड़े प्यार से पुचकारते हैं तो अपा है समीर के जो आर्म्स होती हैं उनको बड़े प्यार से सहला के बोलते हैं आई नो यू हैव योर पीयर्स कि मुझे पता है तुम्हारे खुद के अपने डर हैं वी हैव आर्स वी मस्ट फाइट आर पीयर्स टुगेदर कि हम एक साथ हैं और हमें पता है कि किस तरह से हमारे डर से हमें एक साथ लड़ना है यू मस्ट अंडरस्टेंड आर कंसर्स लेकिन फिर भी तुम्हें हमारे जो कंसर्स हैं हमारे जो वरीज हैं जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझना होगा देर आर सो मेनी टेम्पटेशंस टू विच अ यूथ इज ड्रॉन यहाँ पे टेम्पटेशन मेंस होता है बहुत ज़्यादा लालच लोब एट्रैक्टिव थिंग्स कि तुम्हारी एज में बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशंस आएंगे जो कि यूथ को अपनी तरफ एट्रैक्ट करते खींचते हैं आई डो नॉट वॉन्ट टू लिस्ट दैम मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहता या मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बताऊं। यू नो देम नाउ लेकिन तुम्हें अब वो सब समझना होगा कम टू अस हमारे पास आना टॉक टू अस ओपनली बिल्कुल फ्रेंकली बोलना जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स हमें एक दूसरे का फ्रेंड बनना सीखना होगा टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स और जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कोई भी एडवाइस करते हैं या कोई भी ऑफर करते हैं वो हमसे शेयर करना वी इन टर्न Promise टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट जब हमारी बारी आएगी पहले हम तुम्हें सुनेंगे और सुनने के बाद जब हमारी बारी आएगी देन वी प्रॉमिस हम वादा करते हैं कि सबसे पहले हमारे हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करेंगे सराहना करेंगे विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड क्या मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता हूँ या क्या तुम मुझे अपना एक सच्चा दोस्त बनने दोगे मी टू अम्मा लिफ्ट माई चेन एंड स्माइल्स इन टू माई आईज अम्मा भी उसकी जो चेन है जो उसकी छोटी होती है उसे ऐसे लिफ्टअप करती है और हंसते हुए उसकी आंखों में देख के बोलती है क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ आई प्रेस हर पाम एंड ग्रिन कि मैं उनकी पाम को उनके हाथ की जो हथेली होती है उसको पकड़ के प्रेस करके बड़े ही प्यार से हंसते हुए बोलता हूँ वी आर थ्री फ्रेंड्स बाउंड बाई लव कि हाँ हम तीनों फ्रेंड्स हैं जो किससे वो जुड़े हुए हैं लव से वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा कि दूसरों को हर्ट हो दैट्स इट वी आर हैप्पी नाउ वी हैव बिन सेट फ्री फ्रॉम fear. अपा जेंटली रफल्स माय कर ली हेयर अप्पा लास्ट में रफल्स मीन होता है वापस से फैला देना बेतरतीब करना उन्होंने वापस से मेरे कर ली हेयर में अपनी फिंगर्स को आउट करके और मेरे बालों को फैलाते हुए बोला दैट इज कि बस यही तो है अब हम खुश हैं और हम हमेशा किसी भी डर से हमेशा अपने आप को सेट फ्री रखेंगे दूर रखेंगे इट मीन्स एट द लास्ट इन दिस चैप्टर द कंक्लूजन इज दैट समीर अगेन try to become the friends of his mother and his father okay first tell me one thing that the same problems you are facing now in this group in this age group you are also a teenager and the same problem is there you want to compromise with your situations with your parents with your friends but sometimes you became fail कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कंट्रोल करना सिचुएशंस को बट वो हो नहीं पाते बिकॉज इमोशंस हैज चेंज इमोशन हैं वो काफी चेंज हो चुके होते हैं सो दो माई रिक्वेस्ट टू यू दिस एट फर्स्ट नेवर ट्राई टू गिव अप कभी भी बीच में किसी भी चीज से हारने की कोशिश मत किया करो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स हमेशा अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करो बिकॉज पेरेंट्स कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे And third one is, jabhi tumhe lage, that you are getting wrong. galat ho hai. Then just take a deep breath and just relax your mind. And then think that what is right and what is wrong. And I am sure that you will definitely do the right thing. Understand? So that's our chapter. Now come to the next questions. We have already done comprehension part 1.

and third how old was samir yes samir कितने years ka tha so the answer is yes tell me so the answer is 14 a 14 years state whether the statements given below true or false a a common cold is common to all mankind ki sabko common cold hota hi hai yes this is true samir does not want privacy false samir wants privacy third amma falls and screams with pain no amma did not fall. who fall? yes. sami falls and screams with pain. fourth. so third one is again false. fourth. sami did not talk to his mother for a whole day. yes. true. and fifth. a flower takes time to turn into a fruit. true. because a flower uh, instantly does not change into a fruit. it takes time. and uh, question number c and d and e. I will send you a PDF for the question answer you will do in homework in your register or in your notebooks, but with a neat and clean handwriting. I hope you all understand everything, but still, if you have any problem, then message me personally. Thank you and have a nice day, and always be happy. Bye bye.